तो स्वागत है दूसरे बेडरूम पे। ये जो बेडरूम है ना, ये दोनों बेडरूम का साइज बस सेम ही है। यहाँ पे बाहर का नजारा दिखाइए कैमरा मैन प्लीज। ये यहाँ पे जो शिकारा जो चल रहा है हमारे साइड पे। मैं हूं अभी फिलहाल केरला का सबसे फेमस एलएपी जिसका नाम है पीछे आप जो देख रहे हो हाउस बोट। सो ये हाउस बोट के लिए ये प्लेस फेमस है। ये जितने भी आप देखोगे सिर्फ यहाँ पे हाउस बोट आपको दिखेगा, और दूसरा आपको दिखेगा शिकारा। शिकारा जो कि मतलब कि छोटा सा बोट रहता है। आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एलएपी में बोट हाउस का प्राइस से लेके यहाँ का जो भी एक टूर एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ के रूम कैसे होते हैं, टॉयलेट्स कितना क्लीन है, एंड यहाँ पे राइड 3 घंटे का मतलब कि वर्थ है या फिर नहीं। एंड पहले हम पता करते हैं यार यहाँ का प्राइस कैसा है। हाउ मच चार्जेस लाइक फॉर लाइक वन डे 24 आवर्स? इट डिपेंड्स सर, इफ दिस मंथ एंड ऑल यू कैन गेट फॉर लाइक 12,000 रुपीस फॉर पीपल। इज इट लाइक सीजन और व्हाट? दिस इज नाउ ऑफ सीजन। ऑफ सीजन नेक्स्ट मंथ यू कम इज वन रूम इज विल चार्ज फॉर 15,000 14,000 लाइक दैट। ओके, नाउ इट्स लाइक like what if like single person come for the like 24 hours, if you single people, there is a sharing boat also is there. Okay, then you can get for 5,500 rupees. And what about like couples depends is 6,000 office I'm talking about. Mm-hmm. You can get for maybe 5,000 also, 2 person you can get for 5,000 all day, that is sharing boat. Okay, in one board bedroom there will be 8 bedrooms will be there, and then you can share and go like that. Bolo time dikhta hai abhi kitna hoga? 3 baj rahe hai, 4 5 5 baje aayega 1500 हम लोग वापस जाना है, बहुत दूर जाना है। कोई मुश्किल नहीं, दूर बचा रहे हो? कोची कोची दूर है, कोची में देख सकते हो। सो गाइस फाइनली वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन दिस हाउस बोट, एंड ये हाउस बोट का प्राइस है 4,000 फॉर 2 आवर्स, और एक्स्ट्रा 1 आवर अगर आप एक्सटेंड करते हो ना तो 1500 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ये रहा हमने जैसे ही अपना ट्रिप स्टार्ट किया था हाउस बोट का, वहाँ से बस निकलते ही हमारा बोट हो गया ख़राब। इसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, और 40 मिनट्स हो गए बनाते हुए बट बना नहीं, तो इस कारण से हम 40 मिनट तक हमें यहाँ पे वेट करना पड़ा। बट एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने हमें एक दूसरा बोट प्रोवाइड किया हुआ है, अभी हम वहाँ पे अभी जाने वाले। तो हाउस बोट टूर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं इस बोट हाउसेस को ना मैं 3 कैटेगरीज में मैं डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये स्मॉल और मीडियम के बीच वाला है, क्योंकि जो स्मॉल होता है ना वहाँ पे बस 1 बेडरूम आता है, एंड वहाँ पे ना रूफ टॉप नहीं होता है। हमारे यहाँ पे रूफ टॉप है लेकिन ऊपर बेडरूम नहीं है, और जो मीडियम एंड लार्ज में ऊपर बेडरूम भी होता है एंड रूफ टॉप भी होता है। एंड जितना आप मतलब कि ज़्यादा लार्ज आप हाउस बोट आप बुक करते हो उतना प्राइसेस लगता है। सो हमारा ये अराउंड 4,000 का है फॉर 2 आवर्स। सो हमने स्टार्ट किया था 3 बजे, बट वो एक्चुअली ख़राब होने के कारण हमने फिर से स्टार्ट किया 4 बजे, मतलब कि 2 घंटा 6 बजे तक ये चलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट आवर हाउस बोट टूर। सो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द सिटिंग रूम ऑफ दिस बोट हाउस, एंड यहाँ पे कुछ सोफास यहाँ पे पड़े हुए, एंड यहाँ पे LCD स्क्रीन है, एंड यहाँ पे है AC भी यहाँ पे। एंड AC शायद मेरे ख्याल से बस उसी टाइम को यूज़ कर सकते हो जब आप मतलब 24 आवर्स के लिए इस बोट को आप बुक करते हो, तभी अलाउड है। और ये जो एरिया है ना ये पायलट का एरिया है, ये यहाँ पे ये पायलट दादा यहाँ पे है। चट्टा व्हाट इज़ द नेम? प्रमोद। प्रमोद यू आर फ्रॉम केरला ना? ओके, एंड कंडक्टर, हु इज कंडक्टर हियर? यू आर लाइक हेल्पर ऑफ दिस बोट हाउस ना? ओके, एंड यहाँ पे गैस यहाँ पे एक्चुअली आप अगर 24 आवर्स के लिए आप अगर बुक करते हो ना तो खाना पीना सारे मतलब बना के देते हैं। खाना वीना सर सब मिलता है ना यहाँ पे? मिलता है, कुक। और यू आर द कुक? अच्छा, यहाँ पे बैठे हुए कुक। चलो आगे बढ़ते हैं बेडरूम की तरफ, बट बेडरूम चलने से पहले ना यहाँ का जो ये जो क्या कहते हैं कॉरिडोर मेरी दीदी कह रही है, चलो आई वॉन्ट माइंड, बट ये जो कॉरिडोर है
बहुत ही सुंदर है यहाँ का जो कॉरिडोर आप देख सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा विंडो है जिसके तरफ से लाइट मतलब कि एनफ पास हो रहा है ना, ये बहुत ही उजाला दिख रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत ही ब्राइट लग रहा है। एंड यहाँ पे एक बात मैं कहूँगा ना इस ये बोट हाउस का, ये जो एरिया है सबसे बेस्ट एरिया है यहाँ का हाफ ऑफ होने के लिए। इनफैक्ट अगर आप आना जाना करते हो एक दिन के लिए भी अगर आप यूज़ करते हो ना, तो आपको बेडरूम पे मतलब कि ज़्यादा मतलब कि एंटर करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बाहर से हाथ धो के फटाफट आप गर्म कर सकते हैं यहाँ से। एंड अभी हम चलते हैं फिलहाल बेडरूम की ओर, ये है फर्स्ट बेडरूम। बट बेडरूम जाने से पहले मैं कह दूँ ये बोट है स्मॉल एंड मीडियम का बीच वाला बोट है, तो ऊपर बस रूफ टॉप है, ऊपर बेडरूम नहीं है और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे बस दो ही बेडरूम है। ये फर्स्ट बेडरूम, तो स्वागत है इस बोट हाउस के बेडरूम पे। तो ये कुछ ऐसा ही आगा बेडरूम, यहाँ का कुछ आधार है ऐसा। एंड ये जो मैट्रेस जो दिख रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाला मैट्रेस है। एंड यहाँ पे वैसे यार दो लोग के लिए बहुत ही परफेक्ट है ये बेड सोने के लिए, बट अगर कोई अच्छा दोस्त है बेस्ट फ्रेंड होता है, चार लोग भी यहाँ पे सो सकते हैं आराम से। एंड ऊपर है वैसे पंखा, एंड यहाँ पे वैसे एसी भी अभी अवेलेबल है, इधर ही एसी। एंड यहाँ का बाथरूम चेक करते कितना क्लीन है यहाँ पे, यहाँ पे बेसिंग यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे शावर है ये पाइप है नीचे और ऊपर यहाँ पे शावर लगा हुआ। एंड यहाँ पे है सिटिंग टॉयलेट है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे बोट हाउसेस में ना इंडियन टॉयलेट प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा मूवमेंट होता है ना, तो इस कारण से प्रोवाइड नहीं करते हैं। एंड सिटिंग टॉयलेट भी यार बहुत ही साफ है यहाँ का, अगर मैं पास से दिखा दूँ तो कुछ ऐसा है यहाँ पे। ये रहा यहाँ पे इवन टॉवल रखने के लिए यहाँ पे कुछ प्लेसेस भी यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पे अच्छे से वेंटिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और इनफैक्ट यहाँ पे ना ऊपर लाइट भी मतलब बहुत अच्छा खासा है। तो अभी बढ़ते हैं हम फिलहाल दूसरे बेडरूम की तरफ। तो स्वागत है दूसरे बेडरूम पे। ये जो बेडरूम है ना, ये दोनों बेडरूम का साइज बस सेम ही है यहाँ पे, सेम पिल्लो है यहाँ पे, सेम मैट्रेसेस है, इवन यहाँ पे आईना है यहाँ पे, और बड़ा सा विंडो है बाहर देखने का, बाहर का नज़ारा दिखाई है यहाँ मैम प्लीज़। ये यहाँ पे जो शिकारा जो चल रहा है यहाँ पे हमारे साइड पे, ये कुछ ऐसा है। एंड ये जो आप पीछे जो देख रहे हो ना, ये एक्चुअली विलेज ही है यहाँ पे, जितना भी एलईबी में जो साइड से ना आपको दिखता है ना आईलैंड, दैट्स ऑल अ विलेज। यहाँ पे बहुत ही बड़ा आईलैंड पे विलेज फैला हुआ है। लेट्स सी द टॉयलेट ऑफ दिस बेडरूम, इतना ठीक है या फिर नहीं है। यहाँ भी वैसे सेम है, यहाँ पे सिटिंग टॉयलेट है, शावर है, बेसिन है, एंड इट्स वेरी क्लीन। एंड यहाँ पे वैसे ना इस बेडरूम के बारे में मैं एक बात मैं बता दूँ, एज कम्पेयर टू द फर्स्ट बेडरूम ना, इस बेडरूम के पीछे में किचन है, एंड किचन के साथ में मतलब कि ना वो इंजन है बोट का, जो कि बहुत ही नॉइस करता है, जैसे कि आप सुन पा रहे हो, अगर आप हेडफोन लगाओ ना तो आपको क्लियरली सुनेगा। तो इसमें क्या रहेगा ना, जब ये बोट रुकेगा रात को तभी आप यहाँ पे सो पाओगे, अदरवाइज यू हैव टू लाइक लिसन दोज नॉइसेस एंड यू कांट स्लीप। दिस इज द किचन एरिया, यहाँ पे वैसे इन्वर्टर है, ये सारा बैटरी से यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा है किचन। तो यहाँ पे ना किचन का ये सिस्टम है कि जब आप बुक करते हो फॉर 24 आवर्स तभी ये लोग यहाँ पे काम वाम करते हैं, अदरवाइज दे विल एंजॉय द व्यू, हमारे साथ आगे बैठ के एंजॉय करते हैं। अगर इनकेस अगर आपको चाय पीना हो, शरबत पानी पीना हो, तो वाले कि वो आपको बना के देंगे, बट उसके लिए ये शायद एक्स्ट्रा चार्जेस है। ये पीछे का व्यू अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, ये पीछे का व्यू है, वैसे अभी कुछ ज़्यादा है नहीं, रात को एसी चलने के लिए यहाँ पे रखा हुआ इन्वर्टर, और वैसे यहाँ पे इनका सारा बाल्टी है, यहाँ पे कपड़ा वपड़ा है, सारा ये चीज़ है। तो ये थोड़ा प्राइवेट सा चीज़ है कुकमैन के लिए, तो हम बाहर जाते हैं चलो। तो वैसे ये जो आप स्टेयर्स देख रहे हो ना, ये सीधा जाते हैं रूफ टॉप पे, एंड रूफ टॉप वैसा ना कुछ बोट हाउस का कैसा रहता है कि ये जो स्टेयर्स है कुछ लोगों का पीछे से होता है एंड इसका आगे से है। यहाँ का कुछ नज़ारा ऐसा है यहाँ पे, मेरी फैमिली यहाँ पे एंजॉय कर रही है वैसे एंड यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखा मिलता है ये रूफ टॉप से। ये जैसे कि मैंने कहा कि ये थोड़ा सा मतलब स्मॉल साइज ये बोट है तो ना, तो बस छोटा सा ही है, अदरवाइज ऊपर वाले में क्या रहता है, एक बेडरूम रहेगा एक एंड बड़ा सा यहाँ पे ना एक डाइनिंग हॉल रहता है, एंड रूफ टॉप अलग से रहता है, एंड डाइनिंग हॉल पे क्या रहता है एसी मतलब कि लगा रहता है।
तो उस कारण से ये थोड़ा सा छोटा हमने ले लिया, बट दैट्स फाइन क्योंकि हमें दूसरा मिला नहीं एंड जो मिला था वो एक्चुअली खराब हो गया। यहाँ पे वैसे ना इन लोग प्रोवाइड करते म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड करते, इनकेस अगर आप ग्रुप में आओ तो ना आप पार्टी वार्टी कर सकते हो, तो वैसा यहाँ पे सीन चलता है। वैसे मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी को कैसा लगा, एक्चुअली हम मम्मी एंड पापा को लेकर आए, तो बताइए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पे? आप तो सभी चीज़ में मतलब कि बहुत अच्छा लगा बोलते हो, क्या अच्छा लगा बोलिए? अच्छा लगा ये जो ना, हाँ, जो बोट हाउस को हम इमेजिन नहीं किया था। हाँ, इमेजिन नहीं किया था। तो देखो इतना अच्छा से घूमने मिला है, हाँ, और अच्छा से जो भी हो इनका जो बनाया वाला सिस्टम है, हाँ, बोट का वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। पापा से पूछते हैं कि पापा आपको कैसा लगा? रुकेगा रुकेगा, अच्छा लगा है तुझे? अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा आपको? क्या लगा ये यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो सीन है, यहाँ का जो मैकानिकी में जो कंस्ट्रक्शन नेचुरली जो बनाया हुआ है, ये तो कभी अपना नजर पे आया ही नहीं, यूजुअली देखने को नहीं मिलता, नहीं मिलता बस यही पे देखने को मिलेगा। हम लोग का उधर जो है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं आसाम पे यार, वैसा नहीं। और यहाँ पे वैसे ठीक है, चलो नहीं तो पापा रुकेंगे नहीं, पापा रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। हम पूछते हैं चाचा जी को, जो कि 10 बार से भी ज्यादा आ चुके हैं, आपको वापस आकर कैसा फील हो रहा है बताइए? ये क्या है, ये सब जगह नहीं मिलेगा, सिर्फ केरला का स्पेशलिटी है हाउस बोट। हाँ, तो इसमें क्या है कि जैसे आदमी लोग पानी के नीचे, जैसे ये वाटरवे है, नेशनल वाटरवे बोला जाता है, तो इसमें क्या है कि आदमी कैसे रहता है साइड में, जैसे हर चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मल, हम लोग इधर साइकिल लेके जाते हैं, इन लोग नाव लेके जाता है, जैसे बच्चा लोग खेल रहा है इधर साइड में, सब देखने में बहुत अच्छा है। ओए लगना तो नहीं चाहिए, लगना तो नहीं चाहिए, ओए लगना तो नहीं चाहिए, ओए 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 बस गया ना, वो क्लीनिंग कर रहे हैं ना, क्लीनिंग कर रहे हैं। मुझे लगा था लग जाएगा वैसे, एंड वैसे जो आपने देखा ना उस अंकल को, तो वो जितने भी यहाँ पे लोग यहाँ पे कचरा फैला रहे हैं ना, यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह वगैरह फेंक रहे हैं ना, तो उसको वो अपने बोट पे रख के कहीं पे डंपिंग कराने के लिए वो काम कर रहे हैं वैसे। सो इट्स 5:30 PM एंड हमारा राइड खत्म होने से बस हाफ एन आवर पहले हमने ये काटा हुआ था, ये वाटरमेलन ये रहा, एंड यहाँ पे सबने खा लिया। वैसे ये मेरा भाग है, तो यहाँ पे एक्चुअली ना यहाँ पे मैंने ये फील किया कि ना यहाँ पे जब आप आते हो ना, खाने को जरूर कुछ ना कुछ लाना, फ्रूट्स लाना या फिर ना घर से कुछ पैक करवा के लाना, एंड यहाँ पे ना खाकर ये नज़ारा एंजॉय करना इस मतलब कि ब्रिलियंट, मतलब कि वो नेक्स्ट लेवल का मतलब कि एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब अपना पेट भर रहा होता है ना, वही टाइम को ना आपको अच्छा भी फील होता है। मैं ये करता हूँ एंजॉय थोड़ा सा, मिनट पहले ही मतलब कि हमारा ये राइड खत्म हो चुका है। सो गाइस राइट नाउ आई एम इन पार्किंग लॉट, एंड वैसे आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा था, संडे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे फैमिली मिलके हमने स्पेंड किया, इट वाज वेरी नाइस। एंड ये वीडियो एंड करने से पहले मैं बस इतना ही कहूँगा कि यार हाउस बोट अगर लेना हो ना तो LEP का लेना, क्योंकि दो हाउस बोट बहुत ही फेमस है केरला का, एक LEP दूसरा कुमारागम है, एंड कुमारागम का मतलब कि ना आपको इतना विलेज एरिया दिखेगा नहीं, बट LEP में आपको दिखेगा, एंड बोट वगैरह बहुत ही ज़्यादा है। तो बस यही था इस वीडियो में, आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर इंस्टाग्राम पे हो तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, ठीक है, टू अपडेट विथ मी वेयर आई एम ट्रेवलिंग नेक्स्ट। ओके, तो आई विल सी यू सून इन माई अनदर नेक्स्ट ब्लॉग गाइस, टिल देन चलो बाय गाइस, टेक केयर।